पाकिस्तान की क्रिकेट का हाल चल रहा है, हर कोई बातें कर रहा है। इसी के साथ साथ इंडिया के एक बहुत बड़े लेजेंड खिलाड़ी हैं, सौरव गंगोली उनका नाम है, उन्होंने भी पाकिस्तानी टीम के ऊपर एक बात की थी। वो क्या बात थी वो भी आपको बता दें। सौरव गंगोली कहते हैं कि जनाब एक टाइम था कि पाकिस्तान में जिसको कहते हैं ना टीम का नाम आता था, स्टार्स का नाम आता था, टैलेंट का नाम आता था। उन्होंने मुख्तसर करके कहा कि जैसे यूनस खान होंगे, इंजमाम उलक हो गए, मोहम्मद यूसुफ हो गए, वसीम वकार तो थे ही थे, इमरान खान दी ग्रेट तो थे ही थे, लेकिन कहते कि ना अब जब पाकिस्तानी टीम का नाम आता ना तो वो टैलेंट का नाम नहीं आता, वो स्टार्स का नाम नहीं आता जो होना चाहिए। वो कहते हैं पाकिस्तानी टीम को लोग बातें करते हैं कि टैलेंट टैलेंट, इस टीम में कोई टैलेंट नहीं है, इनको चाहिए कि जिससे कहते हैं ना टैलेंटेड प्लेयर्स को लेकर आए। कहने का मकसद उनका यही था। अब ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। इससे पहले कहते हैं रविचंद्र अश्विन ने भी एक स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने भी ऐसा ही कुछ कहा था कि पाकिस्तानी टीम में शौक होकर रहेगा कि पाकिस्तानी टीम को ये क्या हो गया हुआ है। हर्षा बोगले भी इंडिया के, उन्होंने भी कहा था कि जितना शॉर्टर फॉर्मेट होगा उतनी खतरनाक पाकिस्तान की टीम होगी, जितना लॉन्गर फॉर्मेट होगा उतनी बुरी पाकिस्तान की टीम होगी। तो बातें तो सबकी सारी की सारी सही है, पाकिस्तान का हाल क्या हो गया, लेकिन सौरव गंगोली की बात में दम तो भरा है। वो कहते हैं कि ना टैलेंट टैलेंट करते हैं, टैलेंट तो है ही नहीं। आपको याद है ना कि मतलब रवि शास्त्री ने एक बात की थी वर्ल्ड कप के अंदर, शाहीन को वसीम से क्यों कंपेयर करते हैं, ये तो एक एवरेज बॉलर है, और आज सबको दिख रहा है कि एवरेज बॉलर है। इंडियंस जो एक्स क्रिकेटर जो वो बातें करते हैं बड़ी सही बातें करते होते हैं, जिस जिस प्लेयर के बारे में बोला है वो ऐसा ही हुआ है। अब देखिये सौरव गंगोली की बात में दम इसलिए है क्योंकि स्टार प्लेयर्स वो होते हैं जो आपको मैचेस ऐसे जितवाएं कि आप हमेशा उनको याद रख पाए। यूनस खान हो गए, इंजमाम उलक हो गए, इंजमाम तो क्या बहुत बड़े खिलाड़ी थे, उन्होंने पाकिस्तान को वो मैचेस जितवा के दिए जो पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता, इस वजह से इनका नाम हमेशा याद रहता है। लेकिन जो करंट टीम है ना पाकिस्तान की, ये इनका नाम इसलिए याद रहेगा, याद इनका भी रहेगा क्योंकि इन्होंने वो मैचेस पाकिस्तान को हराए जो पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता। कोई सोच सकता था कि आज से 10 साल पहले के पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हारेगा, पाकिस्तान आयरलैंड से हारेगा, पाकिस्तान यूएसए से हारेगा, पाकिस्तान अफगानिस्तान से हारेगा, कोई सोच सकता था? नहीं ना सोच सकता था। तो ये टैलेंट तो जिसे कहते हैं ना है इनके अंदर भी है। सौरव गंगोली साहब उनमें टैलेंट ये था, यूनस यूसुफ इंजमाम में कि वो मैचेस जितवा के दिया करते, तो इनमें टैलेंट ये है कि ये मैचेस उन टीमों से हारा करते हैं जिन टीमों से कोई सोच भी नहीं सकता। तो याद इनको भी किया जाएगा, उनको जिसे कहते हैं ना याद किया जाएगा कि पाकिस्तान को उन्होंने ये मैचेस जितवाया था। ये बाबर शाहीन हो गए, रिजवान हो गए, इनको याद किया जाएगा कि इन्होंने यूएसए से मैच करवाया था, वो याद है लास्ट में यूएसए से खेले थे तो यूएसए से हमारे थे, वो यार अफगानिस्तान ने हमें वर्ल्ड कप में हराया था, याद आया, ये काम हुआ करेगा। तो ये चीजें जिसे कहते हैं ना बड़ी मैटर करती होती हैं, बड़ी खतरनाक चीजें और ये बड़ी शॉकिंग चीजें हैं। तो सौरव गंगोली की बात में दम तो, अगर इनमें टैलेंट होता तो ये नौबत तो ना आती। उन्होंने बात तो सही किया, वो जो भी है दादा जो है ना बातें बड़ी शानदार किस्म की करते होते हैं, बड़ी हैवी बातें करते होते हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट का क्या हाल हो गया हुआ है। ऊपर सोने पे सवाल, रात को T20 मैच चल रहा था, ऑस्ट्रेलिया जो क्लैश कर गया था, क्या शानदार किस्म का कमबैक इंग्लैंड का हुआ था उस मैच के अंदर। ट्रेविस हेड एक टाइम के ऊपर उसने एक ओवर में 30 मार दिए सैम करन को, इवन के साकिब महमूद को भी उसने छक्का चौका मार दिया था लेकिन वो आउट हो गया। बड़ा शानदार किस्म का मैच हुआ था, जिसको कहते हैं ना बड़ा हैवी किस्म का मैच हुआ था। लेकिन आप इस मैच से ये अंदाजा लगाएंगे जो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट खेल रहा है, स्पेशली ट्रेविस हेड की मैं बात कर रहा हूँ, ये तो पहले इसने स्कॉटलैंड का बॉलर का बुरा हाल किया, फिर इसने इंग्लैंड के बॉलर का बुरा हाल किया, 19 बॉलर में 50 कर गया, ये पाकिस्तानी बॉलर का क्या हाल करेगा, आप ये सोचें बस। ये जिसको जितना तेज बॉल करोगे उतना मारेगा, जितना स्लो बॉल करोगे उतना रुके खेलेगा, ये वो बड़ा खतरनाक किस्म का प्लेयर है। तो खैरियत बनाए क्योंकि एक महीना रह गया, ये सितंबर समझो गयो ही गयो, अक्टूबर के बाद नवंबर में आपने ऑस्ट्रेलिया जाके खेलना है, अक्टूबर में आपको तो फेंटा भी इंग्लैंड के हाथों लगना है। तो ये भी जो हाल चल रहे हैं, आज से जिसको कहते हैं चैंपियंस कप भी शुरू हो रहा है, शानदार किस्म का स्टार्ट हो रहा है, एक सेरेमनी है, फायरवर्क भी होगा। अगर आपने इसको लाइव देखना है तो आप PTV स्पोर्ट्स के ऊपर देख सकते हैं, स्पोर्ट्स के ऊपर भी आप इसको लाइव देख सकते हैं। तो शानदार किस्म का मुकाबला है, जरूर इसको फॉलो कीजिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।